अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बथुए के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। ये हमारा बथुआ है, आधा कटोरी बथुआ, दो आधा कटोरी बाजरे का आटा, चार चम्मच बेसन, आलू एक आलू, उसमें मिर्चा, नमक और हरा धनिया मिला हुआ है, हल्दी दो चुटकी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ, आधा चम्मच नमक सफ़ेद, काला नमक आधा चम्मच, एक छोटी प्याज, एक हरा मिर्चा, आधा हरा मिर्चा और थोड़ा इसमें डाला हुआ एक हरा मिर्चा, चार चम्मच बेसन, तीन चम्मच बाजरे का आटा। आप एक कटोरी ले सकते हैं, एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी बाजरे का आटा। ये हमारा बाउल ले लेंगे। अब ये बाउल में हम ये बेसन, ये तीन चम्मच बाजरे का आटा डालेंगे और ये चार चम्मच बेसन डाल देंगे बाउल में। अब ये हमारा ये आधी कटोरी बथुआ उबाल के, तोड़ के उबाल के उबला हुआ, आधा मिर्च इसमें डाल, आलू हरा धनिया नमक इसमें डाला हुआ, ये आलू एक आलू बाइंडिंग के लिए हो जाएगा, आधी बड़ी छोटी प्याज, बड़ी आधी प्याज, छोटी एक प्याज, एक प्याज छोटी, हल्दी आधा चम्मच हल्दी, दो चुटकी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी भी ले सकते हैं, आधा चम्मच मिर्चा लाल मिर्चा, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, सब आप लेके मिक्स कर दीजिए। इसको आप इस तरह से गूंद लीजिए। अभी बथुआ और ये बाजरे का आटे को मिक्स करके गोल हमने ऐसे बना लिया है, इसको कट मार देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। वो हमारा तेल गरम हो गया है, तो बथुए को हम इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे, इस तरह से। ये हमारा बथुए का पकौड़ा तल गया है। हम गैस तेज कर लेंगे। अब हम धीरे से पकौड़े को पलट लेंगे। सर्दियों में बाजरे का आटा और बथुए का बहुत फायदेमंद होता है।
पानी रख के ये पकौड़े डल चुके हैं, पूरे कुरकुरे हो गए, ये कुरकुरे हो गए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़े को हम प्लेट में, ये हमारे बथुए के पकौड़े तैयार हैं। हरे धनिया की चटनी और ये बथुए का रायता, बथुए के रायते के साथ हरा धनिया डाली, टमाटर की चटनी और ये हमारे बथुए बाजरे के आटे के पकौड़े।